और बधाई से खबर लेते हैं जहां पर जावेद की कोर्ट में पेशी हुई है। सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया है जावेद को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। कोर्ट ने जेल लेकर पहुंची थाना पुलिस। डबल मर्डर का दूसरा आरोपी है जावेद और अब पेशी के बाद सीजेएम कोर्ट में जब उसे पेश किया गया तो अब जावेद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। कोर्ट ने जेल लेकर पहुंची थाना पुलिस। डबल मर्डर का दूसरा आरोपी है जावेद। एक का एनकाउंटर पहले किया जा चुका है। जावेद अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। जेल लेकर गई है उसे पुलिस और अब उससे पूछताछ की जाएगी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिली है। सीजेएम कोर्ट में जावेद की पेशी हुई थी। कल जिस तरह से जावेद सामने आया था उसने अपनी बात रखी थी लेकिन फिर वहां पर पुलिस पहुंची, उसे लेकर बदायूं पहुंची और इसके बाद आज उसे कोर्ट में जब सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया वहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में से भेज दिया गया है। अब कोर्ट से जेल लेकर पुलिस पहुंची है। डबल मर्डर का दूसरा आरोपी है जावेद। पहले को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था और ये दूसरा आरोपी है जिससे अब पुलिस की पूछताछ भी होगी और अब न्यायिक हिरासत में अब देखना होगा कि किस तरह से ये मामला पूरा आगे बढ़ता है। तो जावेद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब पुलिस लेकर जेल पहुंची है। बदायूं आरोपी है जावेद। जिस तरह से दो बच्चों की हत्या की गई थी उसमें पहला जो अभियुक्त था वो तो पुलिस से एनकाउंटर में मारा गया था लेकिन कल जिस तरह से ये सामने आया अपनी बातें रखी, हालांकि पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। आज सीजेएम कोर्ट में जब इसकी पेशी हुई है तो इसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बातचीत करने के लिए राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या खबर मिल रही है, कितने दिन की न्यायिक हिरासत में से भेजा गया है और फिलहाल क्या इसे जेल लेकर पुलिस पहुंच चुकी है? देखिए, बीते मंगलवार को बदायूं में दो मासूमों की निर्मम हत्या की गई थी जिसके बाद जहां पर एक हत्या आरोपी की मौके पर ही कुछ देर बाद एनकाउंटर में उसे मार गिराया गया था तो वहीं दूसरे आरोपी को भी कल आत्मसमर्पण के बाद उसे पूछताछ की गई है और आज उसे सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया था जहाँ से 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर उसे जेल भेज दिया गया है। हालांकि अभी भी इस पूरे मामले में हत्या का मुख्य कारण क्या था इसकी जानकारी नहीं हो सकी है, इसका पता नहीं लग सका है। हालांकि विश्वसनीय सूत्रों की माने तो जो पूछताछ हुई है उसमें कई तथ्य अन्य सामने आए हैं जिसको लेकर अब लगातार जो पुलिस है उसकी पुष्टि करने पर जुटी हुई है। हालांकि जो दावा किया जा रहा था, जो मुख्य हत्या आरोपी साजिद था उसका भाई जावेद जो कि कल 12 बरेली में उसने आत्मसमर्पण किया और उसके बाद पहले बरेली पुलिस और फिर बदायूं पुलिस उसे लेकर आई थी, उससे रात भर पूछताछ हुई है और जो उस पूछताछ के आधार पर पुलिस का कहना है कि जो जावेद ने बताया है उसके मुताबिक साजिद जो था वो मानसिक रोगी था, वो कहीं ना कहीं अपनी पारिवारिक समस्याओं से पीड़ित था, परेशान था और उसी के चलते उसने इस तरह का निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिया है। लेकिन अभी भी जो पुलिस की थ्योरी है वो गले से नीचे नहीं उतर रही है। हत्या का मुख्य कारण क्या था, आखिर साजिद ने सिर्फ उन्हीं दो मासूमों को निशाना क्यों बनाया या फिर कुछ पहले से कोई उनकी रंजिश थी, इन तमाम सवालों का जवाब अभी भी बदायूं पुलिस के पास नहीं है। बदायूं पुलिस ये जरूर कह रही है कि जो जावेद से पूछताछ के दौरान तथ्य सामने आए हैं अब उनको परखा जा रहा है, उनकी जांच कराई जा रही है और जैसे ही जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर यह खुलासा किया जाएगा कि आखिर हत्या का मुख्य कारण क्या था। अब क्योंकि मुख्य आरोपी जेल भेजा जा चुका है तो अब बदायूं पुलिस जो डबल मर्डर हुआ है उसका क्राइम सीन रिक्रिएट कराएगी, एक बार देखेगी कि आखिर किस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। बाकायदा जो घटना स्थल है वहां पर पुलिस की एक टीम पहुंचेगी और वो क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी और देखेगी कि किस तरह से। इससे पहले भी जो बातें जिस तरह से जावेद या उसके आस पड़ोस के लोग बता रहे थे, बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई थी, बहुत सारे बातों को कहा गया था लेकिन जब एक एक कर इसके सबूत खंगालने पुलिस ने शुरू किए तो पहले तो यह बताया गया कि जो जिस पत्नी को लेकर वो पैसे मांगने गया था वो प्रेग्नेंट ही नहीं है, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सुनने में सामने आई। पुलिस ने जब उसे देखा तो वो गलत निकला। ऐसे में अब जब जावेद से पुलिस पूछताछ कर चुकी है, हालांकि वो न्यायिक हिरासत में अब जेल पहुंच गया है लेकिन जो भी जानकारी होगी उसकी तस्दीक पुलिस कर लेना चाहेगी क्योंकि जब कोर्ट में तमाम सबूत रखे जाएंगे तो पता लग पाएगा कि आखिर किस तरह से इन दोनों भाइयों ने इस डबल मर्डर को अंजाम दिया।
अब देखिए यकीनन यही कारण है कि पहले जब ये घटना हुई तब सिर्फ एक हत्यारोपी की बात सामने आ रही थी, बताया ये जा रहा था कि साजिद ने ही इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है, लेकिन जब उसके भाई जावेद को पता लगाने की कोशिश की गई तो वो फरार हो चुका था। ऐसे में पुलिस ने उसकी भी गिरफ्तारी के प्रयास किए और क्योंकि उसके भाई का एनकाउंटर हो चुका था तो अपना एनकाउंटर ना हो इसके डर से जावेद ने कल बरेली में आत्मसमर्पण किया था और उसी के बाद पहले बरेली और फिर बदायूं पुलिस लेकर आई थी। इस दौरान पूरी रात उससे जांच हुई है, पूछताछ हुई है और कई अन्य तथ्य भी सामने आए हैं। प्रथम दृष्टया ये बताया जा रहा है, जो सूत्र कह रहे हैं कि जो जावेद और साजिद था उसका उस परिवार में आना जाना था, लेकिन ये हत्या क्यों हुई, कौन से ऐसे कारण थे, ये अभी तक पब्लिक डोमेन में सामने नहीं आया है। और यही कारण है कि अब जावेद के बयानों की तस्दीक पुलिस कर रही है, विवेचना लगातार जारी है और किस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया इसके लिए भी अब पुलिस की एक टीम जल्द से जल्द क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी, जिसके जरिए देखेगी कि जो थ्योरी बताई जा रही है क्या वो सही है या फिर सच कुछ और ही है। तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती ये है क्योंकि इस घटनाकांड के बाद न सिर्फ बदायूं बल्कि देश और प्रदेश में जैसे ही इस हत्याकांड की सूचना जिस जिस तक पहुंची वो लोग काफी आक्रोशित थे। तो ऐसे में पुलिस की भी अब ये चुनौती है कि जल्द से जल्द इस मर्डर का खुलासा किया जाए और जो असल कारण है वो पब्लिक के सामने लाए जाए, जिसके लिए लगातार पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि अभी तक जावेद के जो बयान आए हैं उनकी तस्दीक की जा रही है और एक एक कर जो जानकारी उसके द्वारा दी गई है उसका मिलान किया जा रहा है। राजीव, अभी तक जो जो बातें सामने आई है, चाहे वो आपसी रंजिश की बात हो या फिर बात पैसे मांगने को लेकर हो, क्या कुछ और भी एंगल है जिसको पुलिस खंगालने की कोशिश कर रही है, जिस पर काम कर रही है? और जावेद से जब पूछताछ हुई है तो कुछ उस तरह की लीड मिली है कि कोई और भी बात इसमें हो सकती है, तो वो तमाम एंगल वो कौन कौन से हैं जिस पर इस वक्त पुलिस काम कर रही है या फिर छानबीन को आगे बढ़ा रही है? देखिए यकीनन इस दौरान जो जावेद से पूछताछ हुई है उसमें कई मुख्य एंगल सामने आए हैं, जिनमें पहला जावेद ने जो बताया कि जो साजिद था वो मानसिक बीमार था, बचपन से इस तरह का बीच बीच में वो एग्रेसिव हो जाता था और जब एग्रेसिव होता था तो उस पर किसी का भी काबू नहीं रहता था। तो पुलिस ऐसे में इस बात की तस्दीक कर रही है कि अगर वो मानसिक रोगी था तो क्या उसका कहीं इलाज कराया जा रहा है था या फिर कोई डॉक्टर उसके टच में था। दूसरा ये भी बात सामने आई थी कि उसके जो माता पिता है वो साजिद को लगातार जो दरगाहें हैं, चाहे वो बड़ा दरबार हो छोटा दरबार नाम की जो दरगाह है वहां पर ले जाते थे, तो क्या इसके पीछे कोई तंत्र मंत्र या कोई अन्य एंगल तो नहीं जुड़ा है। तीसरे जो बात सामने आ रही है कि जावेद और साजिद का उस परिवार में लगातार आना जाना था, तो ऐसे में उनकी कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि क्या कारण था कि आखिर साजिद जो विजय के बेटे हैं उन पर इतना एग्रेसिव हुआ कि उनकी निर्मम हत्या कर दी। तो तमाम ऐसे पहलू हैं, अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक पुलिस को नहीं मिला है। ऐसे में क्योंकि साजिद एनकाउंटर में मार गिराया गया है तो अब सिर्फ और सिर्फ जावेद और जो पीड़ित परिवार है वही है जिनके बयानों के आधार पर, जिनकी जानकारी के आधार पर पुलिस इस हत्याकांड का खुलासा करना चाहती है। और जो तमाम सवाल बिल्कुल, तो दो बच्चों की निर्मम हत्या कर दी, आरोपी अब पकड़ा गया है और अब किस तरह से पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती है ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।